यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीरियड के दौरान संभोग करने के कुछ खासकर टिप्स के बारे में। अगर आप पीरियड के दौरान संभोग करना चाहते हैं, अगर आप पीरियड के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संभोग करना, तो आज मैं एक चीज बताऊँगा, कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आप पीरियड के दौरान संभोग कर सकते हैं और अपने सेक्स का भी बहुत ही ज़्यादा से मजे ले पाएंगे। तो आते हैं इस वीडियो की तरफ। उसके पहले मैं बता दूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाएं और लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम बहुत ही आसान और सस्ते नुस्खे लेकर आते हैं और बहुत ही लाभकारी बातों को बात करते हैं ताकि आपके लाइफ को बहुत ही सुखद और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। दोस्तों गंदगी को दूर करने का कर लें व्यवस्था, मतलब पीरियड के दौरान अगर आप संभोग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गंदगी को दूर करने का बंदोबस्त बना लें, क्योंकि पीरियड के दिनों में महिलाओं के शरीर में काफ़ी मात्रा में खून का बहाव होता है, इसलिए इन दिनों सेक्स करने से पहले उसे निपटने का उचित व्यवस्था भी कर लें, जैसे रुई तौलिया आदि को अपने पास रख लें। इन दिनों में सेक्स में बहुत ही ज़्यादा बहाव होने की वजह से दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सही दिन पहचाने, पीरियड में सबसे बड़ी बात होती है सही दिन पहचाने। अमूमन मासिक धर्म से पहले या दो दिन काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लड का बहाव होता है, इसे शुरुआती दिनों में सेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप मन करें तो दो से या तीन दिन के बाद संभोग कर सकते हैं। शावर में करें सेक्स पीरियड के दौरान सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर आप शावर में सेक्स करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और सेक्स का पूरा आनंद भी आएगा। सेफ्टी का रखें ध्यान, पीरियड के दौरान संभोग करते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, कंडोम स्पंज इत्यादि का प्रयोग कर यौन रोगों से दूर रहा जा सकता है। सेक्स के बाद नहाएं और साफ रखें अपने आप को। दोस्तों पीरियड के बाद, मतलब सेक्स के बाद, पीरियड के दौरान सेक्स के बाद अगर आप नहाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पीरियड के दौरान आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी ब्लड के वो आ जाते हैं ताकि आपका जिसके वजह से आपका शरीर गंदा हो जाता है, तो आप नहाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिशनरी पोजिशन है बेहतर, अगर मिशनरी पोजिशन में आप पीरियड के दौरान संभोग करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा और आप गंदगी से भी बचे रह सकते हैं। हाथों का कम करें इस्तेमाल पीरियड के दौरान, अगर आप सेक्स के समय करते हैं महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को बार बार हाथ लगाते हैं तो जिससे आपके हाथ गंदे हो जाते हैं और बदबू आने लगते हैं, इन्फेक्शन आदि का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप हाथों का कम इस्तेमाल करें पीरियड के दौरान। दोस्तों आज थे पीरियड के दौरान किस तरह करें संभोग के बारे में कुछ टिप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।